सिंगरौली जिले में अल्प प्रवास पर पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनसीएल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद खदानों का निरीक्षण किया। कोयला मंत्री के निरीक्षण करने के बाद सूर्यकिरण में जिले के विभिन्न दलों के नेताओं ने कई समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन दिया, लेकिन सिंगरौली विधायक राम लल्लू के अलावा किसी ने भी एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किए जा रहे मैढोली विस्थापन की समस्या से उनको अवगत नहीं कराया। लेकिन सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने अधिग्रहण की समस्या को कोयला मंत्री जोशी से मुलाकात कर एनसीएल द्वारा मैढोली वार्ड क्रमांक 10 में एवं कई अन्य जगहों पर किए जा रहे भू अधिग्रहण के समस्याओं से अवगत कराया। श्री विधायक ने कहा कि एनसीएल द्वारा 2 एकड़ के एवज में नौकरी दिया जाता है, लेकिन जिसे हटाकर सिर्फ 50 डेसिमल में नौकरी दिया जाए। साथ ही विधायक ने कहा कि जिस व्यक्ति का जितने डेसिमल में घर का निर्माण एवं बाउंड्री वॉल हुआ है, उतने डेसिमल का प्लॉट एवं मकान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति की जमीन एनसीएल द्वारा ली जाती है, उन्हें नौकरी एवं भत्ता दिया जाए। विधायक ने कोल ट्रांसपोर्टिंग एवं पब्लिक रोड को अलग अलग करने का भी जिक्र किया। विधायक ने कहा कि जिस क्षेत्र में एनसीएल द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस क्षेत्र में शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं विद्यालय की समुचित व्यवस्था की जाए। वह मैढोली जयंत एवं दुद्धी चुआ परियोजना के मुआवजे के डिफरेंस पर भी जिक्र किया। इस बात को गंभीरता से लेते हुए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने तत्काल उस पत्र को सीएमडी को सौंपते हुए हर बिंदुओं का निराकरण करने के लिए जानकारी मांगी। पिछले टाइम के लिए तो इस पे टारगेट तो कर रहे हैं एनसीएल, और बाकी जो है कोयला का बिजली क्षेत्र के जो जरूरत है हम जरूर पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप सब जानते हो इम्पोर्ट प्राइस के कारण पूरा बंद हो गया था, पूरा इम्पोर्ट बंद हो गया। अब मोस्टली 30% ईयर का कम हो गया इसे बदल करने के लिए सितंबर अक्टूबर में हम बहुत बड़ी मात्रा में हमारा इम्पोर्टेड कोयला लगभग बंद हो गया, न के बराबर है। तो इसके कारण और बिजली का डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, ये अच्छी बात है। हमारा जो डोमेस्टिक कोल से जो बिजली उत्पन्न होता था वो 24% ज़्यादा हो रहा है, और इम्पोर्टेड कोल से होता है वो 30% गिरा है। मीन्स ये 30% का जो गैप था वो गैप हम डोमेस्टिक कोल से हम भर्ती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जो कोयला का बिजली के लिए जरूरत है वो पूर्ति करने के लिए ऑल इंडिया सहित हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, और आज के दिन में 4 दिन का स्टॉक है और स्टॉक थोड़े थोड़े, एंड मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन थोड़े थोड़े बढ़ रहा है। अभी पहले 7.3 था, आज के दिन में 7.5 मिलियन टन जनकोस में स्टॉक है। फिर आगे भी ये जो 2 मिलियन टन का 2 मिलियन प्लस का बिजली क्षेत्र से डिमांड है, कोल इंडिया, सिंगरेनी और कैप्स्यूल सब मिला के। माननीय कोयला मंत्री, भारत सरकार का नॉर्दर्न कोलपिंड क्षेत्र के कोयला परियोजनाओं का भ्रमण के दौरान सूर्य किरण में हम लोगों ने यहाँ के समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मांग पत्र में मैंने सीबी एक्ट 1957 के धाराओं में संशोधन करने के लिए भी प्रस्ताव दिए गए, जिसमें मुख्य तरह से यह है कि भूमि का खदान का दोहन करने के बाद, कोयला निकालने के बाद, उस गांव के उस भूमियों को समतल करके पुनः किसानों को या राज्य सरकार को जमीन सौंपी जाए। साथ ही इस एक्ट में यह प्रावधान नहीं है सिविल एक्ट में कि जमीन का अधिग्रहण बाई चांस अधिक हो गया और उसकी अब आवश्यकता नहीं है तो उसको वापस करने के लिए डीनोटिफिकेशन का प्रावधान नहीं था। उस बंदे को भी मैंने रखा है कि डीनोटिफिकेशन का प्रावधान एक्ट में संशोधन किया जाए। ये बड़े मूल मुद्दे हैं, एनसीएल के बड़ी समस्या है, ये नहीं बल्कि कोल इंडिया की
कई जगहों में इस तरह की बातें आती है कि जमीन का आधार होना है। हमने उदाहरण दिया कि सरसवा लाल, जैतपुर पिपरा लाल से लेके कचनी, नौगढ़, अमलोरी तक, मुहेर तक भूमियों का अधिग्रहण 1982 में हुआ था और आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और न जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया गया। एनसीएल से बार बार बात करने के बाद ये बात आई कि ड्यूनिफिकेशन का प्रावधान होने के बाद ये जमीन वापस होगी। किसान परेशान हैं सब कि जमीन का नोटिफिकेशन कर लिए, खसरे में एनसीएल का नाम दर्ज हो गया, मौजा मिला नहीं, ये स्थिति है। इसलिए इसे संशोधन करने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया। अभी एनसीएल के द्वारा 2 एकड़ पर नौकरी दिया जाता है, उसके विषय में भी आपके पत्र के माध्यम से कुछ। 2 एकड़ पर जो नौकरी देने का प्रावधान किया गया था पैकेज डील के तहत वर्तमान में 2012 में, उसमें मैंने संशोधन करने के लिए मांग की है कि कम से कम 50 डिसमिल तो किया जाए ताकि लोग अपना जगह जमीन देने के बाद, घर द्वार से उजड़ने के बाद उनको एक स्थायी नौकरी मिल सके, परिवार का जो। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिंगरौली से मोहम्मद सऊ खान की रिपोर्ट।